इंदौर में आज कोरोना जागरूकता अभियान शुरू करने के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोरोना भी रहेगा और हमें भी रहना है, इसलिए सभी को जागरूकता का परिचय देना है। इंदौर की जनता ने जिस तरीके से सेवा की है, इससे कोरोना कंट्रोल हुआ है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय हर सवाल पर खुलकर बोले। सीएम के वायरल ऑडियो पर कहा कि पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर है। वैसे भी कमलनाथ जी ने सभी को धोखा देकर ही 14 महीने की सरकार चलाई है। राजस्थान के मामले को लेकर उनका कहना था कि कांग्रेस के अंदर अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास नहीं है। राहुल के बयानबाजी से लोग कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस यदि अपने पार्टी के विधायक नहीं संभाल सकते तो यह गलती किसकी है? जो विधायक हमारे साथ आए हैं वो अमूल का दूध तो नहीं पीते थे। दिग्विजय के अयोग्य उम्मीदवारों के बयान पर कैलाश जी का कहना था कि वे यह बात संसद में जाकर बोलें। नहीं, वो तो देखिए, आज आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे ही बना सकते हैं, वह पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है। और इसलिए अच्छा, फिर मैन्युफैक्चर्ड भी किया तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया उसमें, ऐसा क्या कह दिया जिससे कोई आपत्तिजनक है? भाई पार्टी में ऊपर से पूछ के कोई भी काम किया जाता है तो कुछ भी नहीं। एक कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी आदत है कि चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना बना लेता है, बजाज खाना खोल कर बैठ जाते हैं। तो बजाज खाना खोल कर बैठ गए, बड़े दावे से कह रहे कि हम ये करेंगे ये करेंगे। मैं दावे से कहता हूँ 24 की 24 सीट जीतेगी, क्योंकि भ्रष्ट सरकार का परिचय हो गया है मध्य प्रदेश की जनता। कमलनाथ जी ने जिस तरीके से, चाहे शराब के ठेकों में, चाहे रेत के ठेकों में, चाहे ट्रांसफ़र उद्योग खोलकर, चाहे किसानों के साथ धोखा देकर, चाहे नौजवानों के साथ धोखा देकर, चाहे महिलाओं के साथ धोखा देकर 14 महीने की सरकार चलाई है, कांग्रेस बेनकाब हो गई। और इसलिए 24 की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, वो तो जाए ना, सब दूर जाए, जा सकते हैं, फोकट तो हैं, फालतू तो हैं, तो किसी का भी समय बर्बाद कर सकते हैं। राजस्थान सरकार भी कह रही है शॉर्ट में चले गए कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के अंदर अपने नेतृत्व के प्रति बिल्कुल आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। जिस तरीके से बयानबाजी राहुल जी कर रहे हैं, चाहे वो चाइना को लेकर, चाहे कोविड को लेकर, चाहे लॉकडाउन को लेकर, तो लोग समझते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है ये हमारे लायक नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस को लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब उनका नेतृत्व कमज़ोर है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है और लोग उनको छोड़ के भाग रहे हैं। और दोष यदि भारतीय जनता पार्टी पे लगाया तो ये तो उनकी ना समझी। कमलनाथ जी ने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, तो कहना है कि विधायक खरीदा गया है और कांग्रेस से तोड़ कर लाया गया। कल ये आरोप भी उनका इस ऑडियो के सामने आने के बाद लगाया। आपकी पार्टी के विधायक है ना, यदि आप नहीं संभाल के रख सके तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? आप ही की गलती, आपकी गलती है। और आप दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ आए वो कोई बच्चे तो है नहीं कि अमूल का दूध पीते हैं और आ गए हमारे साथ। कैबिनेट छः कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को मिलने की फुर्सत नहीं, हमारे काम, हमारे विभाग के सारे ठेकों का मुख्यमंत्री स्वयं करते थे, आरोप लगाया उन्होंने। अब पहले अपने दल को संभालिए, अपनी पार्टी को संभालिए, उसके बाद फिर बात करिए। उन्होंने खुद ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कोई जाएगा नहीं, मैं उनके विश्वास पर रह गया। अब उनका अविश्वास है, उनकी संगठन क्षमता नहीं होने का परिणाम है और दोष भारतीय जनता पार्टी को देना मैं समझता हूँ उचित नहीं। क्या आलाकमान के निर्देश थे क्या इस तरीके? तो जब कोई भी कानून बनेगा वो सबके लिए लागू होगा। सज्जन वर्मा सिंह जी का कहना है कि जो शराब की दुकानें खोली गई है तो उस पर शिवराज जी सिंह चौहान जी को बिठा देना चाहिए और जो वी डी शर्मा उनको बिठा देना चाहिए, इस तरीके के बयानबाजी खरीदने वो चले जाए। कमान से हर चीज पूछ के काम किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज जी तो निश्चित रूप से हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बनिए, परिस्थिति ऐसी बन गई। निर्देश नहीं होते, पूछ के काम किया जाता है। कैलाश दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि जो नेता दल बदल कर रहे हैं उनको 6 साल तक अयोग्य घोषित कर देना चाहिए चुनाव लड़ने से। दिग्विजय सिंह जी का देखिए, जो भी करना है उनको सड़क पे तो कर नहीं सकते, पार्लियामेंट में करना होता है। लगाइए आप, फ्राइडे के दिन दिग्विजय सिंह जी को बता देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आप प्राइवेट बिल लगा सकते हैं,
लगाइए पार्लियामेंट के अंदर, सिर्फ यहाँ पर आकर लफ्फाजी करने से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन कैलाश जी, जैसे भाजपा में भी लोग आए हैं और भाजपा से कांग्रेस में भी आए, तो क्या सिर्फ ये भाजपा के लिए ही उनकी